ये वीडियो एक रिमाइंडर है कि सुशांत सिंह राजपूत इतने स्पेशल क्यों। जब रास्ते पर कुछ गुब्बारे वालों ने सुशांत सर के साथ एक फोटो खींचनी चाहिए तब उन्होंने उन्हें इनकार नहीं किया बल्कि उनसे हाथ मिलाया, उन्हें इंसान की तरह ट्रीट किया। हम देखते हैं कि कई लोग जब एक मुकाम पर पहुंच जाते हैं तब वो दूसरे लोगों को खुद से छोटा समझने लगते हैं, लेकिन सुशांत सर तो डिफरेंट स्पेशल थे। इसीलिए जब पता चला कि सुशांत सर अब नहीं रहे देन वी वर शॉक्ड। डियर सुशांत सर, आज का ये वीडियो आपके लिए एक ट्रिब्यूट है, आपके कुछ क्वालिटीज के बारे में जिनसे भारत का यूथ बहुत कुछ सीख सकता है। एज एन ऑडियंस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, अगर आप भी सुशांत सर को एक पॉजिटिव ट्रिब्यूट देना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। सुशांत वॉज स्पेशल बिकॉज ही वॉज ऑर्डिनरी। वेट लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, वो नहीं, उनके लाइफ की शुरुआत ऑर्डिनरी थी। जन्म पटना में हुआ और पिता बिहार स्टेट हैंडलूम कॉर्पोरेशन में काम करते थे, लेकिन बड़े सपने देखने की आदत सुशांत को पहले से थी। सुशांत नेवर सेटल्ड फॉर समथिंग एवरेज। घर में सभी स्मार्ट थे लेकिन सुशांत सर ने एक कदम आगे बढ़ाया और दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 7th लाई। सिमिलरली कॉलेज में इंजीनियरिंग के साथ साथ डांस स्कूल भी ज्वाइन किया एंड दैट्स हाउ ही गॉट हिज फर्स्ट बिग ब्रेक एज अ बैकग्राउंड डांसर। 2006 के कॉमनवेल्थ गेम्स में आप देख सकते हैं कि सुशांत ऐश्वर्या राय के पीछे एज अ डांसर डांस कर रहा है। डांस के साथ साथ थिएटर करना भी सुशांत सर को पसंद था। उनके परफॉर्मेंस को देखकर उन्हें मुंबई में एक सीरियल में एक साइड कैरेक्टर के रोल के लिए बुलाया गया एंड ही सेज दैट दिस वाज अ बिग रिस्क क्योंकि इंजीनियरिंग के 2 सेमेस्टर बाकी और डिग्री छोड़कर ड्रीम्स के पीछे भागने का प्रिविलेज मिडिल क्लास बच्चों को होता कहां है। लेकिन सुशांत सर ने ये रिस्क ली और वो मुंबई चले आए। लेकिन इसके बाद भी लाइफ आसान नहीं थी, उनकी सीरियल 6 महीने डिले हो गई। तब वो मुंबई में 6 लोगों के साथ 1 रूम किचन में रहते थे, अपने खाली समय में ट्यूशंस पढ़ाकर पैसे कमाते थे। पहली सीरियल में उनका रोल लोगों को इतना पसंद आया कि उन्हें इमीडिएटली एक दूसरी सीरियल मिली और लीड रोल भी, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। तो इसमें हमारे लिए लेसन क्या है? अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पर दस्तक जरूर देती है लेकिन दरवाजा खोलने के लिए आपको उठना पड़ता है, हाथ में लिया हुआ काम कभी कभी छोड़ना भी पड़ता है, रिस्क लेनी पड़ती। लेकिन हर आम इंसान में खास बनने की पोटेंशियल होती है, ये सुशांत सर ने अपने लाइफ से प्रूफ किया। ग्लैमर की दुनिया के कई स्टार्स जब बात करते हैं तब शैलो लगते हैं, लगता है कि उन्हें फिल्मों की दुनिया छोड़कर दुनिया में क्या चल रहा है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। बट सुशांत सर वो स्पेशल, ही जेन्युइनली लव्ड साइंस और जब वो सक्सेसफुल बने तभी भी अपने फिजिक्स के प्यार को कभी नहीं भूले। वो उनके घर में एक टेलीस्कोप रखते थे जिससे जुपिटर के मून्स और सैटर्न के रिंग्स देख पाए। वॉल्स पर नासा की फोटोज और स्पेसक्राफ्ट के मिनिएचर्स रखते थे। रिचर्ड डॉकिंस और हरारी जैसे महान राइटर्स की किताबें पढ़ते थे और उनका ये नॉलेज उनके फील्ड को छोड़कर बाकी दुनिया का नॉलेज उनके इंटरव्यूज में, उनके स्पीचेस में साफ नजर आता और उनका यही डेडिकेशन उनके हर रोल में भी दिखता। MS धोनी में भारत के सबसे सक्सेसफुल क्रिकेट कैप्टन MS धोनी का किरदार निभाने के लिए उन्होंने एक्चुअली क्रिकेट सीखा। वो क्रिकेट खेलना नहीं जानते थे लेकिन फिर भी उन्होंने हेलीकॉप्टर शॉट भी परफेक्टली एग्जीक्यूट किया। धोनी कहते हैं कि सुशांत उनके सामने 250 MCQs लेके पहुंच जाते थे, कभी कभी सवाल पूछ कर उन्हें इरिटेट कर देते थे, फिर धोनी उठकर चले जाते थे लेकिन फिर भी सुशांत अगले दिन वहां पहुंच जाते थे अपना काम करने के लिए। राबता नाम की फिल्म में उन्हें कई फाइट सीन्स करने थे, एक साथ 2 शॉट्स चलानी थी, उसके लिए उन्होंने कई महीने ट्रेनिंग की। डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी में 1940s का कैरेक्टर प्ले करने के लिए उन्होंने एक पूरे महीने के लिए अपना मोबाइल बंद करके साइड में रख दिया, अपनी गाड़ी भी चलाना बंद कर दिया, वो पैदल ही हर जगह पर जाते थे। हॉलीवुड में डैनियल डे लुइस, हीथ लेजर, वॉकिन फीनिक्स इस टेक्निक को मेथड एक्टिंग कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक्टिंग की क्राफ्ट को सीरियसली लेने वाले काफी कम लोग होते हैं। सुशांत सर उनमें से ही एक थे। जिम कैरी का एक स्पीच है जहां वो कहते हैं, आई होप दैट एवरीवन गेट्स मनी एंड फेम जस्ट सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड दैट इट इज नॉट द पॉइंट। सुशांत सर ने भी इस बात को समझा था, उन्होंने भी कहा कि असली खुशी कल की मेहनत, आज की तसल्ली और आने वाले कल की एक्साइटमेंट में है। और इस फिलॉसफी को एक्सेप्ट करने की वजह से सुशांत सिर्फ एक एक्टर से कई बढ़कर, जब केरला में फ्लड आए तब उन्होंने रिलीफ फंड के लिए 1 करोड़ रुपए इमीडिएटली डोनेट किए। उसी के कुछ महीने बाद नागालैंड में भी फ्लड आए, वहां भी 1.25 करोड़ रुपए डोनेट किए। क्यों? उस समय तो किसी फिल्म का प्रमोशन नहीं चल रहा था, इनफैक्ट नागालैंड और केरला उनका मेन टारगेट ऑडियंस भी नहीं है, फिर भी उन्होंने लोगों की मदद करनी चाहिए। एंड दैट्स व्हाई ही वाज स्पेशल, ही अंडरस्टूड द पेन ऑफ कॉमन पीपल एंड दैट्स द क्वालिटी वी नीड टू रिमेंबर। सुशांत सर वाज स्पेशल बिकॉज ही रिमाइंडेड अस कि जरूरी नहीं कि सारी सक्सेस स्टोरीज मुंबई दिल्ली जैसे बड़े शहरों से ही आए, जरूरी नहीं कि हर एक्टर जिसकी शुरुआत सीरियल से हो वो हमेशा सीरियल्स में ही काम करता रहे, टाइप कास्ट हो जाए, हमेशा छोटे रोल्स करता रहे। बैकग्राउंड डांसर से सीरियल तक और फिर सिनेमा का टॉप लीडिंग एक्टर बनना पॉसिबल है, ये सुशांत सर ने हमें प्रूव करके दिखाया। सुशांत सर की डेथ हम सब के लिए शॉकिंग थी, हम बस सोशल मीडिया पर वीडियोस बनाते हैं, उनकी डेथ कैसे हुई इस पर बात करने की हमें कोई अथॉरिटी
अथॉरिटी नहीं है, ना कि हमें ये मॉरली सिर्फ चंद व्यूज कमाने के लिए सही लगता है कि हम उनके फैमिली के इमोशंस के साथ ऐसे खिलवाड़ करें। लेकिन ये सच है कि अब बहुत टाइम बीत चुका है और एटलीस्ट अब उनके फैमिली को कुछ जवाब मिलने की जरूरत है। ये वीडियो काफी स्पेशल था क्योंकि सुशांत सर स्पेशल थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमें बताइए कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो उन्हें स्पेशल बनाती, क्योंकि आज हम उनके कुछ क्वालिटीज को जरूर याद रख सकते हैं। क्या था जिसने उन्हें स्पेशल बनाया, वही बातें हम में भी ला सकते हैं। एंड आई थिंक दैट विल बी द बेस्ट ट्रिब्यूट एनीबॉडी कैन गिव हिम। ही वाज अ गुड बॉय इन अ वर्ल्ड वेयर बैड बॉयज आर प्रेज्ड। इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ शैलो पीपल ही वाज एन ओशन फुल ऑफ डेप्थ। ही वाज एन आउटसाइडर हु मेड हिज मार्क। और उनकी इन्हीं क्वालिटीज को याद रखने से मुझे, आपको और हम सबको फर्क पड़ता है।